इस देश के करोड़ों किसानों, मजदूरों, नौजवानों के विश्वास, हम सबके नेता परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आज के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराने वाले समाजवादी चिंतक और पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल जी, मंचा सिंह, सभी सम्मानित नेतागण और इस राज्य सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधि भाइयों, बहनों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार भाइयों, सम्मानित पत्रकार भाइयों, सबसे पहले मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी का, माननीय प्रोफेसर साहब का और पार्टी के, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, राज्य नेतृत्व का और इस प्रतिनिधि सम्मेलन में आए हुए सभी डेलीगेट्स का, इस प्रदेश के समाजवादी विचारधारा के सभी सम्मानित भाई बहनों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे समाजवादी पार्टी का पुनः अध्यक्ष बनाया गया और यह विशाल प्रदेश के संगठन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास किया गया कि मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप और पार्टी की नीतियों रीतियों के अनुरूप काम करूं। मैं अपने प्रतिनिधि साथियों के समक्ष अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने 40 वर्ष के राजनीतिक जीवन में, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, माननीय मुलायम सिंह यादव जी हो या आज माननीय अखिलेश यादव जी हो, हमने सदैव अपने नेतृत्व की बात को माना और जो भी काम मुझको दिया गया उसको मैंने अनुशासन के साथ काम करने का काम किया। और आपने हम जैसे छोटे घरों में पैदा होने वाले किसानों के नौजवानों को समाजवादी आंदोलन में इतने बड़े ओहदे पर आपने चुना या मुझे बनाया, मैं और मेरा परिवार आपका जिंदगी भर आभारी रहेगा। मैं अपने सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और साथियों, आज के इस सम्मेलन में हमारे विभिन्न साथियों ने इस सम्मेलन को सजाने, संवारने, सुव्यवस्थित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया गया है। जानकारी सभी को है कि बहुत ही अल्प समय में यह समाजवादी पार्टी का राज्य सम्मेलन और कल होने वाला राष्ट्रीय सम्मेलन बहुत कम सूचना पर इतना शानदार किया गया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, चाहे वो लखनऊ के जिला महानगर के इकाई के अध्यक्ष हो, चाहे हमारे जिले लखनऊ के नेता लोग हों या कार्यकर्ता साथी हों या हमारे फ्रंटल संगठनों के निवर्तमान पदाधिकारी हो या डेलीगेट्स हो, जिन लोगों ने इस सम्मेलन को व्यवस्थित कराने में सहयोग दिया है, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। और आप सबसे यह अनुरोध करता हूं कि कल राष्ट्रीय सम्मेलन है और राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय प्रतिनिधि आएंगे और आप सभी लोग जिस अनुशासन के साथ आज इस सम्मेलन में आए हैं उसी अनुशासन के साथ और उससे भी बढ़कर कल हम सबको राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के डेलीगेट्स जो हों उनको सहयोग देने का काम करना होगा। और आज मैं खुशी के साथ ये बताना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था में, चाहे भोजन की हो, आवास की हो, सारी व्यवस्थाओं को हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर उसको पूरा का पूरा कराने का काम किया है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आए हुए प्रतिनिधियों का, जो लोग अब यहां नहीं है अपने आवासों के लिए वो बाहर गए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करते हुए आज इस सम्मेलन के समापन की घोषणा करता हूं और आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं और अपने गायक साथियों से अनुरोध करता हूं कि अपने जो हमारे धर्मेंद्र सोलंकी उनकी टीम है वो लोग अपना गीत प्रस्तुत करें, उसके बाद ये पूरी तरीके से आज का राज्य सम्मेलन की समापन हो जाएगा। और